हेलो एवरी वन वेलकम टू आर एस अकेडमी माई नेम इज़ कृतिकर्न एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ जोअलॉजी सो वाई एम आई हेयर टूडे मैं यहां आज हार्मोन के बारे में डिस्कस करने वाली हूं बच्चा हार्मोन नीट के सिलेबस में भी है और जेई के सिलेबस में भी रिसेंटली ऐड हुआ है आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी जेईई सेंट्रिक आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे मैंने यहाँ दिखा रखा है एनसीआरटी का वो सेक्शन वो हिस्सा जहां पर हॉर्मोन के बारे में दे रखा है तो आज का जो भी डिस्कशन हमारा होगा वो इन्हीं पॉइंट्स को समझने में होगा बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे जितना रिक्वायर्ड है आपको उतना ही मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ठीक तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं ठीक देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये हॉर्मोन जिन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं वो कौन कौन से ग्लैंड हैं कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन से नाम का हॉर्मोन सिक्रीट होता है उस हॉर्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं और कहीं कहीं पर आध डिजॉर्डर मैंशन है एनसीआरटी में तो सबसे पहले बात करते हैं कि हॉर्मोन्स क्या हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है The first point that you should keep in mind is that hormones are secreted by endocrine glands. So, some the point? They are secreted by endocrine glands. अब एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पहले भी ग्लैंड का नाम सुना होगा आई नो दैट आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी का नहीं है बच्चा है ना पर थोड़ी बहुत बायोलॉजी आपने टेंथ में सीखी होगी और वहां आपने ग्लैंड का नाम सुना होगा ग्लैंड बॉडी में क्या होते हैं कुछ सेल्स होते हैं बॉडी में विच आर एक्चुअली मॉडिफाइड टू सिक्रेट समथिंग एंड दैट समथिंग कैन बी स्वेट दैट कैन बी सीबम ऑयल

आपका जो ब्रेन है ना ठीक आपके ब्रेन में अलग अलग हिस्से हैं अलग अलग पार्ट है एक पार्ट कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक शायद आपने नाम सुना हो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। नाम तो आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन का एंड दिस ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ और ग्रोथ अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं ग्रोथ के One of the aspects height का बढ़ना और height कैसे बढ़ती है तो आपके जो limb के bones है, for example, आपके जो के के हैं वो इलोंगेट होते हैं है. तो आपके pituitary gland से निकला है क्या ग्रोथ हार्मोन और ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ जा रहा है बोन के पास और बोन को क्या सिग्नल दे रहा है इलोंगेट होने का मतलब ब्रेन की सेल्स से इंफॉर्मेशन निकला और ये इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचा बोन की सेल्स तक मतलब मैसेज का इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है एक्सचेंज इसलिए हम हार्मोन को क्या बोलेंगे दैट दे आर इंटर सेल्यूलर मैसेजर तो दे आर इंटर सेल्यूलर मैसेंजर इंटर का मतलब होता है बच्चा बिटवीन और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स के तो सेल्स के बीच मैसेज का क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन इंटर सेल्युलर मैसेजर अच्छा ये ग्रोथ हार्मोन बोन तक गया कैसे गया जम करके गया क्या नहीं देर हैजू बी अ मीडियम तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड ने इस ग्रोथ हार्मोन को सिक्रिएट किया है ब्लड में क्योंकि आपके सोर्स से टारगेट तक भेजने के दो तरीके हैं या तो आप पाइप लाइन से भेजें पाइप से भेजें डक्ट के माध्यम से भेजें पर डक्ट के माध्यम से, से भेजने का काम करता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ क्या रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता इसलिए हम इसे बोलते हैं बच्चा डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीशन तो को कैसे पहुंचाता है टारगेट साइड पर टारगेट साइड का मतलब जहां इस हॉर्मोन का इफेक्ट देखने को मिलेगा टारगेट साइड पर पहुंचाने का काम करता है वाया ब्लड तो तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी हॉर्मोन की दैट दे रिलीज इंटू ब्लड एक सवाल आता है दिमाग में कि अगर सारे ही हॉर्मोन्स ब्लड में डंप होते हैं तो कौन से सारे हॉर्मोन्स ब्लड में डंप हो रहे हैं ब्लड बॉडी के हर जगह पर पहुंच रहा है तो क्या हर हॉर्मोन का इफेक्ट बॉडी में हर जगह देखने को मिलता है तो आंसर है नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि कोई स्पेसिफिक हॉर्मोन स्पेसिफिक जगह पे ही अपना इफेक्ट दिखा पाता है तो इसका जवाब है दैट जब यह हार्मोन जगह जगह पर जाता है तो अपने रिसेप्टर को ढूंढता है मतलब हार्मोन्स आर रिसेप्टर स्पेसिफिक अगर उस हार्मोन को अपना रिसेप्टर दिखता है तो हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है और टारगेट साइड पर इफेक्ट देखने को मिलता है हर हार्मोन हर रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर सकता स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए जैसे हर चाबी से हर ताला नहीं खुल सकता So, hormones are receptor specific, would be the another property. Hormones are receptor specific. Or many on the right side. एक डायग्राम बनाया है दैट इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट सेल की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन तो ये जो हार्मोन है हमारा वो हार्मोन ब्लड के माध्यम से घूमता घूमता जाएगा और कहाँ पहुंचेगा अपनी टारगेट सेल पर और टारगेट सेल पे ये हार्मोन वुड बाइंड टुवर्ड्स रिसेप्टर और जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट्स रिसेप्टर और जैसे ही बाइंड करेगा इस हार्मोन के द्वारा उस सेल पे इफेक्ट देखने को मिलेगा सो दीज फोर आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ हार्मोन ठीक तो बात करते हैं कि बॉडी में कौन-कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि अलग-अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं तो हमें डिटेल में सारे ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ना आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दोज ग्लैंड्स आर पहला इस रीजन में ट्रेकिया के पास एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं थाइरोयड ग्लैंड आपके एब्डोमिनल कैविटी में एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज एक और ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर बैठा है जिसको बोलते हैं अड्रीनल ग्लैंड और साथ ही साथ है आपका गुनेड मेल गुनेड एज वेल एज फीमेल गुनेड इतने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आज हम बात करेंगे इसके अलावा भी बहुत ग्लैंड्स हैं पर हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बाकियों का जिक्र आपकी एनसीईआरटी में नहीं है दिस इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ग्लैंड एंड देर लोकेशन इन द बॉडी ठीक बढ़ते हैं आगे बच्चा सबसे पहले हम बात करेंगे पैनक्रियाज की जो पैनक्रियाज होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड पैनक्रियाज इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड और क्यों बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड क्योंकि पैनक्रियाज शायद आपने डाइजेशन में कभी पढ़ा होगा पैनक्रियाज के बारे में क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जो फूड का डाइजेशन करवाता है तो हमारा जो पैनक्रियाज है उस पैनक्रियाज को अगर आप देखेंगे यहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैनक्रियाज है ना और पैनक्रिया का एक हिस्सा जूम करके दिखाया हुआ है

और आइलेट ऑफ लैंगर कुछ नहीं है दैट इज नथिंग बट कलेक्शन क्लस्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और दो टाइप ऑफ सेल जो कि मैंने मैं इंडोक्राइन सेल्स है जो एल्फा सेल होता है वो सिक्रीट करता है हॉर्मोन कॉल्ड ग्लूकागोन और जो बीटा सेल है वो सिक्रीट करता है हॉर्मोन इंसुलिन और याद रखिएगा ये जो दोनों हार्मोन हैं दे आर एक्चुअली बाय नेचर अगर मैं केमिकल नेचर बोलूं इनका तो दे आर पेप्टाइड हार्मोन पेप्टाइड का मतलब समझते हैं क्या आप

इंसुलिन समझते हैं आपने नाम इंसुलिन का सुना होगा एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, बोलते है ना खून ज्यादा मीठा हो गया ग्लूकोज लेवल बढ़ गया क्यों क्योंकि इंसुलिन की क्या हो गई है कमी इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज मेलाइटस जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड में ज्यादा है तो यूरिन के जरिए भी ग्लूकोज निकलना चालू हो जाता है ऐसा कब हो रहा है इंसुलिन की कमी से या ना होने से अगर इंसुलिन होता तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता मतलब अगर इंसुलिन आ जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा कम मतलब इंसुलिन का फंक्शन वुड बी इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल तो इंसुलिन का फंक्शन वुड बी एट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड में ग्लूकोज लेवल का घटना दिस कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज हाइपो ग्लाइसीमिया तो हम इंसुलिन को बोलेंगे दैट इट इज हाइपो ग्लाइसेमिक हाइपो का मतलब होगा कम हाइपर का मतलब होता है ज्यादा ग्लाइसेमिक का मतलब है ग्लूकोज लेवल तो इंसुलिन जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है इसलिए हमने इसको क्या है ये? लेते हैं कि आपने खाया स्टार्च स्टार्च तोड़ तोड़ के हमने क्या निकाल दिया ग्लूकोज सारा निकाल दिया अब ग्लूकोज को क्या करेंगे आप एब्जॉर्ब और ब्लड में तो देखिए यहां मैंने बनाया है ये बनाया ब्लड वेसल्स ब्लड में क्या ब्लड वेसल में क्या रन कर रहा है ब्लड और इसमें है आपका ग्लूकोज अब इस ग्लूकोज का क्या उद्देश्य है क्या काम है इस ग्लूकोज का वट इज द पर्पज ऑफ ग्लूकोज तो ब्लड के माध्यम से ये ग्लूकोज घूमेगा और अलग अलग टिश्यू में जाएगा और टिश्यू इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो उसको स्टोर करके भी रख सकती है तो ग्लूकोज को ब्लड से टिश्यू में फेंकने के लिए मतलब ब्लड से कहा जा रहा है टिश्यू में ब्लड से कहा जा रहा है टिश्यू में ब्लड से कहा जा रहा है टिश्यू में मतलब सेल्यूलर अपटेक ऑफ दिस ग्लूकोज इज एक्चुअली ड्यू टू इंसुलिन इसलिए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा धीरे धीरे कम क्योंकि कौन खा जा रहा है टिश्यू तो यही काम करता है आपका इंसुलिन और याद रखिएगा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन दे आर एंटागोनिस्टिक क्या बोलते हैं एंटा गोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट फंक्शन तो अगर ऑपोजिट फंक्शन है इसका मतलब ग्लूकागोन क्या करवाएगा बच्चा ग्लूकागोन करवाएगा इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब जब भी ब्लड में ग्लूकोज की क्या होगी कमी तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा बढ़ाएगा और बढ़ा रहा है इसलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे हाइपो या हाइपर हाइपर एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपर ग्लाइसेमिक क्लियर ठीक तो ये फंक्शन हो गया हमारा इंसुलिन एंड ग्लूका गोन का इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि इंसुलिन की क्या हो गई है कमी और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है इसका मतलब हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया तो आप बोलेंगे पैनक्रियास so अब हम बात करेंगे दूसरे ग्लैंड की जिसका नाम है अड्रीनल ग्लैंड अड्रीनल ग्लैंड कहां होता है तो आपके एब्डोमिनल कैविटी में होती है किडनी और किडनी के ऊपर ही बैठा होता है देखिए जरा इस डायग्राम में किडनी है और किडनी के ऊपर बैठा हुआ है आपका अड्रीनल ग्लैंड ये रहा आपका अड्रीनल ग्लैंड इस अड्रीनल ग्लैंड को उठा लिया हमने और इस अड्रीनल ग्लैंड का एक सेक्शन काटा और ओपन करके देख रहे हैं सेक्शन काटा ओपन करके देख रहे हैं तो इस अड्रीनल ग्लैंड में आपको दो हिस्से दिखेंगे एक हिस्सा जो आपको बिल्कुल लाइटिश दिख रहा है बाहरी और एक पोर्शन अंदर की तरफ जो थोड़ा डार्कर दिख रहा है जो आउटर लाइटर पोर्शन है उसको बोलते हैं हम अड्रीनल कॉटेक्स और जो अंदर का पोर्शन है उसको बोलते हैं अड्रीनल मेड्यूला और इन पोर्शन से अलग अलग टाइप के हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं बच्चा जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सिक्रीट होता है उस हॉर्मोन की कैटेगरी को बोला जाता है अडुरीनो कौर्टीकोईडस। अडुरीनो कौर्टीकोईडस। अडुरीनो का मतलब क्या होता है अड्रीनो का मतलब ग्लैंड वर्ड आया है कॉर्टेक्स से और ऑइड का मतलब होता है स्टीरॉइड से का मतलब स्टीरोइड और स्टीरॉइड वर्ड आया है कोलेस्टेरॉल से मतलब अड्रीनोकॉर्टिकॉइड ये जो हार्मोन की कैटेगरी है दे आर नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्टेरॉल ठीक और इस एड्रिनोकोर्टिकॉइड की दो कैटेगरी है एक है ग्लूको और एक है मिनरलो कॉर्टिकॉइड नाम में ही काम छिपा हुआ है ग्लूको ग्लूको वर्ड आया है ग्लूकोज से क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब है ऐसा जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करे ठीक तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन की कैटेगरी निकलती है उसको बोलते हैं अड्रीनोकॉर्टिकॉयड और अड्रीनोकॉर्टिकॉयड की दो कैटेगरी है जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके कहलाएगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और उस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो हार्मोन आता है दैट इज कॉर्टिसोल। पर दूसरी कैटेगरी है मिनरलो कॉर्टिकॉइड और मिनरलो कॉर्टिकॉइड आया है वाटर एंड मिनरल बैलेंस से मतलब मिनरलो कॉर्टिकॉइड बॉडी में कुछ आयंस जो हैं उनका एक्सक्रीशन होना है या नहीं होना है ज्यादा होना है एक्सक्रीशन या कम होना है यूरिन के जरिए इस चीज को क्या करेगी रेगुलेट करेगी मतलब एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन यूरिन को क्या करती है ये रेगुलेट करने का काम करती है मतलब बॉडी में मिनरल बैलेंस को रेगुलेट करती है इसलिए नाम है मिनरलो मिनरलोकॉटिकॉइड एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन तो फंक्शन हमने देखा कि जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो क्या करता है ग्यूलेट कार्बो हाइड्रेट मेटाबोलिज्म ग्लूकोज अ कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली है ना अब रेगुलेट करने का क्या मतलब है या तो उसके लेवल को बढ़ा रहा होगा या कम कर रहा होगा इन्हीं में से कुछ कर रहा होगा सो दिस कॉर्टिसोल एक्चुअली इनक्रीजेज ग्लूकोज सिंथेसिस ठीक है ग्लूकोज सिंथेसिस और यहीं से इसका एक और फंक्शन सामने आता है कि जब भी बॉडी में कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है इमरजेंसी कंडीशन आती है मान लेते हैं अचानक से आपने सांप देख लिया सांप देखा तो क्या वहीं खड़े रहोगे नहीं वहां से दूर भागना है आपको और भागने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी चाहिए एनर्जी कैसे मिलेगी जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करोगे मतलब अगर भागना है तो खूब सारा ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज क्या हमारा कॉटिसोल बढ़ा रहा है तो आंसर है यस yes. तो हम बोलेंगे दैट दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज आल्सो Involved in involved in स्ट्रेस ठीक साथ ही साथ ग्लूकोकॉटिकॉइडज एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी का मतलब ऑपोजिट इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन वर्ड आपने सुना होगा है ना कहीं भी अगर रेडनेस हो जाए स्वेलिंग हो जाए पेन फील हो है ना इस रेस्पॉन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं इन्फ्लामेशन और ये इंफ्लामेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है ऑपोजिट है तो हम क्या बोलेंगे एंटी इंफ्लामेटरी सो दीज वुड बी द फंक्शंस ऑफ ग्लूको कॉटिकॉइड पर मिनरलो कॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या था रेगुलेट्स वॉटर एंड मिनरल बैलेंस इन द बॉडी चलिए तो यह फंक्शन हो गए अगर मैं बात करूं अड्रीनल मेड्यूला की तो वो कौन से हॉर्मोन सिक्रीट करता है तो दोज हॉर्मोन्स आर एपीनेफ्रिन एंड नॉर एपीनेफ्रिन एपीनेफ्रिन एंड नॉर एपीनेफ्रिन इसी का दूसरा नाम है बच्चा एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीन और याद रखिएगा बाई नेचर जैसे हमने कॉटिक्स से निकलने वाले हॉर्मोन को बोला था दट दे आर डेरेवेटिव ऑफ कोलेस्टेरॉल तो ये आर डेरिवेटिव ऑफ एंड अमाइनो एसिड कॉल्ड टाइरोसिन तो दे आर टाइरोसिन डेरिवेटिव ठीक आपने अमाइनो एसिड में पढ़ा होगा दैट टाइरोसिन इज वन ऑफ द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स अब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का क्या काम है डिटेल में नहीं जानना बस एक ही काम आप समझिए कि जब भी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन एक्टिवेट होता है फाइट फ्लाइट फ्राइट इमरजेंसी कंडीशन उसमें जो अलग अलग चेंजेस हैं जैसे हार्ट रेट बढ़ना ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना ये सब करवाने का काम कौन करता है आपका नॉर ने ठीक तो इसका फंक्शन है किसमें जेंसी सिचुएशन में तो दीज वुड बी द फंक्शंस एक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं एडिसन डिजीज है ना डिस्कवरर के बेसिस पे हमने इस डिजीज का नाम एडिसंस डिजीज दिया है क्या होता है एडिसंस डिजीज में तो याद रखिएगा कि इसमें होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स अलग अलग रीजनस हो सकते हैं बच्चा है ना अड्रीनल कॉर्टेक्स के डैमेज के एक कारण हो सकता है कि जब ट्यूबरकुलोसिस होती है तो भी ये कॉर्टेक्स डैमेज हो जा हो जाता है है ना तो रीजंस कैन बी मल्टीपल पर अब आप बताइए कि अगर आपको किसी हार्मोन का फंक्शन पता हो और आपको ये बता दिया जाए कि भैया उस हार्मोन को बनाने वाला स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया मतलब वो हॉर्मोन बनेगा क्या नहीं तो क्या आप उस डिजीज से होने वाले अलग अलग सिम्टम्स नहीं बता पाएंगे तो इस एडिसन डिजीज में क्या हो रहा है कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड नहीं बनेगा और नहीं बनेगा तो ये जो सारा काम है ये नहीं होगा और यही होता है किसमें एडिसन्स डिजीज में क्लियर तो वाटर और मिनरल बैलेंस रेगुलेट नहीं हो पाएगा साथ ही साथ ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम कर रहा था कोर्टिसोल तो इसमें क्या हो जाएगा ग्लूकोज लेवल कम होगा मतलब क्या हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया कौन सा कंडीशन होगा हाइपो ग्लाइसीमिया स्ट्रेस को डील करने में मदद कर रहा था तो यहां पर एडिसन डिजीज में आप क्या हो जाएंगे यू बिकम मोर ससेप्टेबल टू द स्ट्रेस तो जो भी फंक्शंस इनके होंगे वो सारे फंक्शंस वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन एडिसन डिजीज क्लियर बहुत सिंपल अब वी आर मूविंग टू नेक्स्ट ग्लैंड विच इज अ थार ग्लैंड

एक और मुझे निकल रहा है उसका नाम है एंड बाय नेचर दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ एन अमाइनो एसिड टाइरोसिन टाइरोसिन इससे पहले भी अभी हमने पढ़ा था एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में और याद रखिएगा जब हम टाइरोसिन का रूप बदल रहे होते हैं उसको थायरोक्सिन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं आयोडिन यहां पर देखिए जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना बच्चा दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ थायरोक्सिन। और इसमें आपको यहां विजिबल देखिए यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर आई 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 दिख रहा होगा मतलब हमने टाइरोसिन को कुछ ऐसे चेंज किया कि उसमें हमने क्या ऐड किया है आयोडिन मतलब iodine के बिना थायरोक्सिन का सिंथेसिस नहीं होगा इसलिए आपने कमर्शियल्स वगैरह देखे होंगे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ है ना आयोडिन के इनटेक के अलग अलग वेज हो सकते हैं आयोडाइज सॉल्ट तो थायरोक्सिन डेरिवेटिव ऑफ टाइरोसिन एंड आयोडिन इज रिक्वायर्ड फॉर इज रिक्वायर्ड फॉर एड्स सिंथेसिस चलिए इतनी बातें हो गई बात करते हैं कि जो हमारा थायरोक्सिन है उसका फंक्शन क्या है बॉडी में तो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ टाइरोसिन टाइरोसिन नहीं थायरोक्सिन दैट ये बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने का काम करता है ठीक तो सबसे पहला फंक्शन वुड बी दैट इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा तो इसका काम बच्चा जब बॉडी ग्रो कर रही होती है तो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट सब हो रहा होता है तो इस थाइरोक्सन का भी रोल है इन प्रमोट्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इसलिए आपने सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, दे आर एडवाइज टू ईट आयोडाइज सॉल्ट क्यों? ताकि उनमें आयोडिन की कमी ना हो आयोडिन की कमी नहीं होगी तो थायरॉक्सिन खुशी खुशी बनता रहेगा थायरॉक्सिन बनेगा तो जो बच्चा है जो अभी डेवलप हो रहा है यूटरस के अंदर उस बच्चे का बिल्कुल संपूर्ण विकास हो पाए इसलिए जरूरी है कि आयोडीन की कमी ना हो अगर आयोडीन की कमी होती है तो जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है स्वेलिंग हो जाती है और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिंपल गोइटर। तो सिंपल गोइटर क्या है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड किसकी कमी से तो ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी क्लियर है क्या इतनी बात चलिए अब बात करते हैं हम अगले ग्लैंड की वेचेस गोनाट्स ठीक गोनेट्स जिनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन भी बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे होंगे और ये रोल प्ले करते हैं बाय फॉर्मिंग द गिमीट्स तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको गुनाड बोल रहे हैं मेल के केस में इट इज टेस्टीज और फीमेल के केस में इट इज ओवरीज जो कि डायग्रामेटिकली आप देख रहे हैं तो टेस्टिस तो स्पॉम बनाने का काम करेगा और ओवरी एग बनाएगी पर वो हमारे काम की चीज नहीं है यहां पर अपार्ट फ्रॉम दोज फंक्शन दीज एक्चुअली एक्ट एज एंडोक्राइम लैंड मतलब हॉर्मोन बना रहे होंगे और जो हॉर्मोन टेस्टिस बनाता है उस हॉर्मोन का नाम है टेस्टॉस और जो हार्मोन ओवरी बनाती है उसका नाम है ईस्ट्रोजन। जिसको एनसीआर में ईस्टरा डायोल के नाम से भी मेंशन है और दूसरा हार्मोन है हमारा जेस ठीक और याद रखिएगा ये दोनों हार्मोन्स मेल सेक्स हार्मोन एज वेल एज फीमेल सेक्स हार्मोन बोथ ऑफ देम आर

म फॉर्मेशन में तो रोल प्ले करेगा ही पर वन ऑफ द मेजर इफ़ेक्ट्स इज दैट इट रेगुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ना एक बार स्पम बन जाता है तो डक्ट के जरिए स्पम का ट्रांसफर भी जरूरी है बच्चा और उन डक्ट्स को जैसे नाम एपीडी वास डेफरेंस ये सब डक्ट के नाम हैं ठीक शायद आपने टेंथ में पढ़ा होगा तो उन सारे डक्ट को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कुछ ग्लैंड सेक्स ग्लैंड इन सबको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे और इन सबके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है हमारा टेस्टोस्टेर साथ ही साथ इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल रेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजिकली ही मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं मतलब कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट मेल में हो रहा है एंड दैट इज ड्यू टू टेस्टिस्टर फॉर एग्जांपल, मेल में क्या है वॉइस कैसा होता है वॉइस एज एक्चुअली वॉइस का लो पिचड होना क्योंकि फीमेल में वॉइस कैसी होती है हाई पिचड तो जो वोकल कॉर्ड होता है ना बच्चा उस वोकल कॉर्ड के अलग अलग थिकनेस की वजह से वॉइस की पिच अलग अलग होती है ये टेस्टस्टर मेल वोकल कॉर्ड को थिक बनाता है इसलिए जब वो वाइब्रेट करती हैं तो आवाज कैसी होती है लो पिचड पर फीमेल के केस में ऑपोजिट है इसलिए आवाज कैसी होती है हाई पिचड तो लो पिचड वॉइस होना साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर बॉडी हेयर जैसे बियर्ड मुस्टैश इन सब का आना है ना तो मेल के केस में बॉडी हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है फीमेल के केस में अलग तो मेल में मेल जैसा क्यों है टेस्टोस्टेरोन की, की वजह से ठीक साथ ही साथ और भी कुछ हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक जैसे शोल्डर ब्रॉड होना जैसे मस्कुलेचर मेल में ज्यादा होता है सेकेंडरी इसलिए हम टेस्टोस्टेरोन को एक और नाम से जानते हैं इसको हम बोलते हैं इट इज एंड्रो एंड्रो मतलब मेल जेन का मतलब फॉर्मेशन तो मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल इसलिए बोला एंड्रोजन किसको टेस्टेस्टर को पर अब बात करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन की ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर ईस्ट्रोजन जिसको ईस्ट्राडायल भी लिखा हुआ है आपके एनसीआरटी में तो ईस्ट्रोजन से क्या होगा तो जैसे मेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक टेस्टेस्टर ने किया फीमेल में क्या होगा ईस्ट्रोजन उसको रेगुलेट करेगा तो यहां भी डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स organ ठीक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन है ना जैसे मेल के केस में डक्ट्स थे वैसे फीमेल के केस में भी फेलोपियन ट्यूब यूटेरस यूटेरस का नाम सुना होगा जिसमें बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट नाइन मंथ तो इन सबका डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल इस सबके सब लिए रेस्पॉन्सिबल इज ईस्ट्रोजन साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल ठीक अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करू ना बच्चा तो जो प्रोजेस्टेरॉन है दैट एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग द प्रेगनेंसी। एक इवेंट बताती हूँ, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइज्ड एग थोड़ा डेवलप हो के और यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है इस यूट्रस को थोड़ा थिक होना होता है और थिकनेस करवाता है कौन ईस्ट्रोजन। पर उस थिकनेस को मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन तो हम क्या बोलेंगे एट सस्टेन्स प्रेगनेंसी ठीक जी, चल, तो आज के लेक्चर में हमने कुछ ग्लैंड्स और कौन कौन से ग्लैंड्स, तो हमारे पास था पहले पैनक्रियाज फिर हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड फिर हमने पढ़ा थाइरॉइड ग्लैंड फिर हमने पढ़ा गुनाड्स ठीक क्या बच्चा फिर हमने जानी सबसे पहले हार्मोन की प्रॉपर्टीज उनके फीचर्स हमने आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं केवल मैंने उतनी ही चीज़ें बताई हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी ठीक सो so, आज की वीडियो जो थी वो जेई सेंट्रिक थी बच्चा दिस वीडियो वॉज नॉट एट ऑल अ नीट सेंट्रिक ठीक तो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज थैंक यू सो मच